नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज साथ आपके। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिबेट शो देश को जवाब दो। आज पाकिस्तान की नाकारा और निकम्मी हुकूमत पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबानी जल्लादों की क्रूरता के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाजवा, इमरान और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का हाथ है। दरअसल अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ते ही नियाजी खान ने तालिबान को मदद करना शुरू कर दिया था। सबूतों के साथ पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान अफगान में आतंकियों को भेज रहा है और शायद इसीलिए आतंकियों का हमदर्द इमरान अब आतंकवादियों को आम आदमी तक बता चुका है। यह रवैया सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन चैन पर सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए आज बहस हम इसी के ऊपर करेंगे। सवाल जो है हमारे वो भी आपको बता देती हूं। पहला सवाल यह कि अफगानिस्तान में प्यादा तालिबान आका इनका इमरान, क्योंकि इसीलिए तो हमदर्दी इमरान खान को इन तालिबानियों के लिए होती रहती है। अगला सवाल आज का हमारा, अफगानिस्तान में आतंकियों का एक्सपोर्टर पाकिस्तान है क्या? क्योंकि पाकिस्तानी सीमा से हर रोज आतंकवादियों की सप्लाई होते हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया, वीडियो सामने आ चुका है। अगला सवाल, काबुल में तालिबान राज से चीन को घुसपैठ में क्या मदद मिलेगी? अब ये चीन पाकिस्तान हमदर्द तालिबान के, ये भी स्पष्ट हो चुका है। अगला सवाल हमारा, अब इमरान खान से ही बदला लेगा तालिबान? क्या पाकिस्तान इस बात को जानता है कि तालिबान का अगर वो समर्थन कर रहा है तो वो उसके लिए ही खतरे की घंटी है? इसी के ऊपर आज हम करेंगे चर्चा। शुरुआत में करती हूं इस रिपोर्ट के साथ। सारी दुनिया इस वक्त क्रूर और जल्लाद तालिबान के आतंक से थर्रा रही है। अब ये साफ भी हो चुका है कि इस दहशतगर्दी के पीछे और कोई नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तान के कठपुतली सुल्तान इमरान खान और हाफिज सईद जैसे आतंकी हैं। इस खूनी मंसूबे का खुलासा करते हुए अफगान सरकार ने दावा किया है कि काबुल में तालिबानी शैतानों की मदद करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एससीओ मीटिंग के वक्त इमरान खान की मौजूदगी में दुनिया के सामने खुलकर पाकिस्तान का नाम लेते हुए ये सारी बातें रखी थी। इंटेलिजेंस सिस्टम इंडिकेट द इन्फ्लक्स ऑफ ओवर 10,000 जिहादी फाइटर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस इन द लास्ट मंथ एज़ वेल एज़ सपोर्ट फ्रॉम देयर एफिलिएट्स इन द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान और तालिबान के इस आतंकी गठजोड़ को महाशक्तियों के सामने बेनकाब करने के लिए अफगान सरकार ने नया खुलासा किया है जिसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं जबकि 15,000 से ज्यादा आतंकियों को अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इल्जामों को पुख्ता करने वाले सबूत भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों के ये आईडी कार्ड जो तालिबान के साथ अफगान फोर्सेस की हुई मुठभेड़ के दौरान बरामद हुए, उन लड़ाकों के शवों से जो तालिबानियों की वेश में जंग लड़ रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के नाकारा और निकम्मे वजीर आजम ने हाल ही में अपनी ही जुबान से ऐलान कर दिया कि तालिबान महज प्यादा है जबकि आका खुद इमरान। तालिबान आर नॉट सब मिलिट्री आउटफिट, दे आर नॉर्मल सिविलियंस एंड इफ देयर आर सम सिविलियंस इन दीज कैंप्स हाउ इज पाकिस्तान सपोज्ड टू हंट दीज पीपल डाउन? मतलब अफगानिस्तान से अमेरिका के जाते ही पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकवादी एक्टिव हो गए हैं जबकि इस नापाक गठबंधन पर सुपर पावर की नजर भी बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से इस नापाक गठजोड़ को लेकर बात की और दो टुक लहजे में बता दिया कि अमन कायम रखने के हक में जो भी किया जाना चाहिए अमेरिका वो करेगा। तो पूरी दुनिया जिसे आतंकवादी संगठन मानती है, जिसकी क्रूरता हर एक ने देखी है, जिसने न बच्चों को बख्शा, न महिलाओं को छोड़ा, न बुजुर्गों को छोड़ा, न मनोरंजन करने वालों को, न कार्टूनिस्ट को छोड़ा, उसे इमरान खान आम नागरिक बता रहे हैं, आम आदमी है ये। तो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देती हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल केके सिन्हा जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। पीटीआई प्रवक्ता
अब्दुल समद याकूब जी मेरे साथ हैं और अब्दुल जी के अलावा एक और पाकिस्तानी मेहमान भी कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश को जवाब दो में। लेकिन अब्दुल समद याकूब जी, आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। तालिबान कट्टरपंथी आतंकी संगठन, पूरा विश्व तो तालिबान को ऐसे ही मानता है, ऐसे ही समझता है, यही परिचय उसका सबके सामने है। आप लोग क्या मानते हैं उसे? तालिबान आपके लिए क्या है सर? देखिए, तालिबान हमारे नजदीक एक वो ग्रोह है कि जो जाहिर है अफगानिस्तान पर रूल कर चुका होगा। इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था, सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज किया था और चाइना रिकॉग्नाइज करने वाला था। लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि तालिबान को एक बहुत ही रेडिकल और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप माना जाता है, जो कि हम भी समझते हैं कि उनको इतना शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अफगानिस्तान पे कौन रूल करेगा या किसका हक है, ये तो डिसाइड अफगानिस्तान की आवाम ने करना है। और फिर जब ये बात आती है कि तालिबान, अभी तो आवाम ने डिसाइड कर रही है ना सर, आवाम ने डिसाइड किया हुआ है क्या? आवाम चाहती है तालिबान? देखिए, किसी भी रिजीम को चेंज करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक इलेक्शन होता है या फिर एक वो तरीका होता है कि जो अमेरिका ने लीबिया में इस्तेमाल किया, इराक में फोर्सफुली रिजीम चेंज की। तो जब फोर्सफुली रिजीम चेंज की जाती है, जिस तरह नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में जो थे अब्दुल्ला शाह, अहमद शाह मसूद वगैरह, हाँ। अगर वो ग्रुप के पास पावर ज्यादा होती है और वो आके रूल कर जाते हैं तो जाहिर बात है वो भी, वो कहते हैं ना कि पावर रिस्पेक्ट पावर्स, पावर डजंट रिस्पेक्ट रेजोल्यूशन एंड स्पीचेस। तो ये बात यहाँ पे फिट आती है कि अभी वहां पे कंफ्लिक्ट है जिसको पाकिस्तान ये चाहता है कि ये पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाए, और बिल्कुल इंडिया भी चाहता है कि पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर तालिबान ताकत से आ रहे हैं और वहां